आज अगर ये जहर फैलता जाएगा तो कितने पाकिस्तान ये बनाएंगे। ये सिर्फ चाह ही रहे हैं कि हर बात में हिंदू मुस्लिम, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिखाया। इनके पास जो है भगवा रंग, तो ग्रीन कलर, तो ये कलर, और उसके बाद से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कि नॉर्थ इंडिया के नब्ज जो है जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे बीजेपी की जो सत्ता जो है खरगोश और चूहे के जो है सत्ता घिसक जाएगी। जिस दिन वो 5 किलोमीटर का सफर अगर तय कर लेंगे मैं कांग्रेसी हूँ और देशभक्त हूँ, उस दिन मैं बीजेपी का हो जाऊंगा। तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से होते हुए आज यहां पर दिल्ली में आ चुकी है और दिल्ली से आते हुए पटियाला हाउस भी जो है बीच में पड़ता है और तमाम वकील जो है हमारे साथ हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जो सब चल रही है, आपको तो पता ही होगा, आप तो हर मुद्दे पर आपकी बहुत अच्छी पैठ रहती है, तो अभी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ेगा? जी, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त शुरू किया है जब देश में नफरत का माहौल इतना ज़्यादा भाजपा आरएसएस और इसके सहयोगियों ने फैला रखा है कि एक आम आदमी के जीवन में एक तो महंगाई बेरोजगारी ने पहले ही कष्ट कर रखा था और उसके बाद ये नफरत की एक ऐसी आंधी फैला रखी है कि हमारे नीचे के जनरेशंस, हम लोग तो झेल ही रहे हैं महंगाई बेरोजगारी और जो ये पूंजीवादियों को जो वो मदद कर रहे हैं, और गरीब दलित आम आदमी जो रोज़मर्रा की रोज़ खरीद महंगाई से जो परेशान है, रोज़ कमाई करके आता है उसका जीना दुभर हो गया, नीचे के जनरेशन में ये जहर घोल रहे हैं और हमारे बाद के जनरेशन में भी ये जहर खोल के कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ा है, देश को जोड़ा है, देश को बनाया है। आज अगर ये जहर फैलता जाएगा तो कितने पाकिस्तान ये बनाएंगे। ये सिर्फ चाह ही रहे हैं कि हर बात में हिंदू मुस्लिम किसी तरह से पोलराइजेशन करो, अपना वोट बैंक सुदृढ़ करो और उसके बाद हिटलर की डिक्टेटर साहिब चलाओ, यही कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा तबका जो गरीबी का तबका झेल रहा है दलित समाज, क्या कर लिया है इन्होंने, सिर्फ कष्ट की सुइयां चुभो रहे हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। उनके उत्थान के लिए तो कुछ किया नहीं, उनके लिए समाज में तो जोड़ने के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ दलितों की आवाज़ को बंद करने के लिए, मुसलमानों और अकलियतों की आवाज़ को बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा चलता रहता है आरएसएस का। आज भारत जोड़ो यात्रा करके जिस तरह से सामाजिक एकता का इन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है, सचमुच हमारी पीढ़ी, नीचे वाली पीढ़ी और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होगी इससे लाभान्वित होगी और देश एकजुट होगा और विकास के पथ पर चलेगा। थैंक यू सर। अभी जैसा इन्होंने बताया सर ने कि भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ेगा, दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उत्पीड़न इतना बढ़ता जा रहा है, लगातार महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा परेशान है, बच्चे परेशान है, सब परेशान है, बूढ़े भी परेशान है, तो क्या आप सोच रही हैं कि वो चूहा और वो खरगोश हैं वो देश को चलाएंगे? खरगोश बता रहे हैं। अरे वो चूहा खरगोश जो आप तो जानती है ना कौन है ना, वो देश को तो चलाएंगे नहीं। कौन है चूहा खरगोश? देश को सब भी लोग चलाएंगे, हम एडवोकेट चलाएंगे, एडवोकेट को जानती हैं कि एडवोकेट जब जिस तरफ चलता है उस तरफ से देश की धाराएं और पूरी दुनिया की धाराएं बहती हैं। तो आज एडवोकेट जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है और जब एडवोकेट कांग्रेस पार्टी के साथ है तो सच में कुछ ना कुछ तो इसका असर है, तभी तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो कांग्रेस कल जो एडवोकेट बात करने को तैयार नहीं थे लेकिन आज एडवोकेट कम्युनिटी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ, इतना कम से कम यहाँ पे 5000 एडवोकेट खड़े थे यहाँ पे, इसके साथ साथ हाई कोर्ट के पूरे एडवोकेट, यानी आज पूरी दिल्ली में कम से कम 10 से 15 हज़ार एडवोकेट, क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो जो है जगह जगह खड़े थे, आश्रम में खड़े थे, हाई कोर्ट में खड़े थे, यहाँ पे खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। तो ये सब मिला के ये चल रहा है कि देश में जो बदलाव की लहर चल चुकी है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है जो अभी आप बात कर रही थी, ये भारत जोड़ा पूरा देश की जोड़ने की बात हो रही है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि ये खरगोश और चूहे जो हैं ये देश को बांट दिए थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिखाया, इनके पास जो है भगवा रंग, तो ग्रीन कलर, तो ये कलर, और उसके बाद से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके सिवाय कुछ नहीं है। बताइए कि अभी युवा हैं, आपकी उम्र मुझे लगता है कि 20-21 साल हो सकता है कि कम बेस हो, तो आप ये बताइए कि इसमें आपको क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, अगर आपके पास रोज़गार होता तो आप ये काम नहीं करते। आपके पास कम कम 30-35-40 हज़ार आप पाते, अपने घर में रहते, आप ऐश करते, आप नौकरी करते, आपका परिवार चलता, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज जो युवा जो बेकार है, जो बेरोज़गार है, इस सरकार की वजह से। अगर आप किसी के पास जाओ,
और जाकर उससे पूछो कि हम किस चीज़ का बिजनेस करें, तो लोग कहते हैं अरे एक चाय का दुकान खोल लो, एक पकौड़ी का दुकान खोल लो। तो आज का बिजनेस मॉडल जो है, सबसे पहले जो फेवरेट है वो पकौड़ा है, वो चाय है ना, इस तरह का नमकीन बिस्किट का दुकान खोल लो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका स्तर ऊपर से कितना, कल आप एक इंडस्ट्री बैठाने की बात करते थे, आप बड़े बड़े जो है जो कुछ लेने की बात करते थे, एजेंसियाँ लेने की बात करते थे, लेकिन आज उसकी बात इससे साफ जाहिर है कि आज देश में जो है कितनी सारी, ये प्रूव करता है कि देश की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो बंद हो गई, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है वो सब बंद हो गई, जो युवाओं का रोजगार है वो छिन गया और आने वाले समय में वो छिन रहा है, और चाय पकौड़े जो बढ़ रहे हैं इससे रोजगार नाले में खड़े होकर, जैसे मोदी जी ने बोला था ना कि नाले में, उस तरह से उसका जो है अब विकास हो रहा है कि नाले में हम अपना गैस निकालेंगे और उसके ऊपर चाय बनाएंगे और उसको बेचेंगे, पकौड़ा बनाएंगे, लोग खाएंगे और प्रदूषित होंगे, बीमार होंगे, तो इसको कोई फायदा नहीं। आप भी देख लो कि राहुल जी की यात्रा इतना देर से निकल रही थी, इनको कोई फिक्र नहीं था, लेकिन जैसे ही नॉर्थ इंडिया की तरफ इनकी यात्रा आई ये बेचैन हो गए, क्योंकि इनको पता है कि नॉर्थ इंडिया के नब्ज जो है जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे बीजेपी की जो सत्ता जो है खरगोश और चूहे के जो है सत्ता घिसक जाएगी, इसीलिए वो आज बेचैन हो गए। और वो दिखाने लगे क्या कि कोविड आ जाएगा तो वो आ जाएगा, तो जो वो खरगोश जो है जो बिना मास्क का जब घूम रहा था तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो चूहा बिना मास्क का घूम रहा था तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो अपने घूमोगे। और दूसरा, अगर भारत को जोड़ने की बात करेगा, हिंदुस्तान को मिलाने की बात करेगा, गंगा जमुना तहजीब की बात करेगा, तो उसके लिए तुम कटाक्ष करोगे, उसे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन आप जान लो कि ये राहुल जी रुकने वाले नहीं हैं। अगर मोदी जी सबको भी रोक दें उसके बाद से भी राहुल जी अकेले की यात्रा करेंगे और उनके साथ जो जनमानस है, हम सब जो जनता हैं उनके साथ चलेंगे और दौड़ेंगे, और इस देश को बचाने के लिए जिस तरह से गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो लड़े थे संविधान को बचाने के देश को, उसी तरह हम भी इस देश को बचाने के, संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं कि जितेंद्र सिंह हैं उनके जूते का फीता बांधते हुए जो है, जितेंद्र सिंह जो है राहुल गांधी का फीता बांध रहे थे, ऐसा चेक में भी दिखाया गया कि भाई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन भाजपा बता रही है नहीं भाई ऐसा ही हुआ है और उनके में ऐसा ही तानाशाही वाला। आप ये बताओ कि आप जो है किसी शेर की बात, शेर को शेर कहोगे या सुअर के बच्चे को कहोगे? सुअर के बच्चा को तो नहीं कहोगे। एक सुअर के बच्चा निकला और उसने ये बोल दिया कि भैया जितेंद्र भवन सिंह जी जो है राहुल जी का जूता बांध रहे थे, है ना, तो राहुल जी का जूता बांध रहे थे, और बाद में जो है फिर से शेर ने जो है, और शेर की सेना ने, बब्बर शेरों ने जब निकाला अपना, जब दिखाया तो वो जो है सुअर का बच्चा जो है फिर तिलमिलाने लगे, अपना ट्वीट बदल दिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, हमने गलत से डाल दिया। अब बताओ जितेंद्र भवन सिंह जी जब चल रहे हैं, हम भी रास्ते में चल रहे हैं, हमारा जूता का फीता जो अगर खुल जाए तो राहुल जी ऐसे सभ्य हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने जूते का फीते बांधो, वो खड़े हो गए और वो बांधने लगे, इनको लगा कि कैमरा वहाँ पर दिख नहीं रहा, चारों तरफ से कैमरा है वहाँ पे, लेकिन इनको लगा नहीं दिख रहा तो हम अपना दिखा देंगे निकल जाएंगे, लेकिन जनता जो यहाँ के है वह इतना एक्टिव है, इतना चलाव है कि सुअर के बच्चे को फिर से नाले में जाकर ढकेल दिया। अमृता फर्नांडिस बोल रही है कि भाई न्यू इंडिया के जो राष्ट्रपिता हैं वो अब जो है मोदी जी हैं, वो पुराने हो गए गांधी जी। अब ये बताओ कि राष्ट्रपिता कभी बदल सकता है? बाप कभी बदला जा सकता है? माँ कभी बदली जा सकती है? तब उनसे पूछो कि जो अपने बाप को माँ को बदलने की बात कर रहा है, तब उससे हम क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, कितना फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से? क्या कुछ बदलाव आएगा या राहुल गांधी की छवि में कुछ बदलाव आएगा क्या? राहुल गांधी जी की छवि कल भी खराब नहीं थी, आज भी खराब नहीं है, कल भी खराब नहीं रहेगी। ऐसे जान लो कि राहुल गांधी जी दुनिया के ऐसे लीडर हैं जो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने फेस किया है। राहुल जी ऐसे हैं जो भी भविष्यवाणी किया वो सत्य हुआ है। राहुल जी ऐसे हैं जो कोरोना में जो जो चीज़ किया मोदी जी उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, और जनता के साथ हैं। आज राहुल जी हैं, उनकी विल पावर है कि जो 35 किलोमीटर की यात्रा जो है कि उन्होंने ठान ली, और आज देखो लगभग 2400 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली में पहुँच गए, तो ये राहुल जी हैं। और राहुल जी के साथ जो है ये देश की जो युवा पीढ़ी है, आपको क्या लगता है कि आप वहाँ से क्यों आए हो? चल के आए हो ना, आप इसलिए नहीं आए हो ना कि हम चल रहे हैं, क्यों आते आप इसलिए? और हम लोग जितने भी एडवोकेट कम्युनिटी जो आई है वो इसलिए आई है कि राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस की सोच से, उसकी आइडियोलॉजी से, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर से वो प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है। इस प्रेम के चक्कर में वह यहाँ पर आई है कि देश जुड़ रहा है, देश मिल रहा है और इसे और मजबूत करना है, जिससे कि ये जो है दूसरे को, अपने बाप को कुछ और बोलने वाले वो भागे।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि थोड़ा सा हंसी मजाक का भी मैं बात कर लूँ तू। अभी राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे सवाल उठ रहे थे, कितनी महंगी टी शर्ट पहनी, जूते पहने, फिर उसके बाद अब ये भी आ रहा है कि भाई इतनी सर्दी है, ठंड है, राहुल गांधी जी एक ही टी शर्ट में पूरी यात्रा चला रहे हैं। देखो ये तो उनकी जील की, उनको व्हील पावर पे है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो क्या नाम है उनका, प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? पूरा नाम नरेंद्र मोदी जी। ओ नरेंद्र मोदी जी, जो कपड़े पे वो लिखा हुआ था, एक महंगा कपड़ा था वो 10 लाख का, उसी पे लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी। अब जान गए वो नरेंद्र मोदी जी, जिससे आप जाकर पूछो कि अब 5 किलोमीटर का सफर जो है 6 बजे निकल के अब चलना स्टार्ट करो। जिस दिन वो 5 किलोमीटर का सफर अगर तय कर लेंगे, मैं कांग्रेसी हूँ और देशभक्त हूँ, उस दिन मैं बीजेपी का हो जाऊँगा और बीजेपी का झंडा उठाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वो करके दिखा दे, और वो एक हमारे तो रहे हैं, बोल रहे हैं तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा, और वो एक गेंडा है, उसको बोलो कि 2 किलोमीटर चल के दिखा दे बिना हाफे बिना लुटाए। भावनाएं आहत कर रहे हैं। मैं किसकी आहत कर रहा हूँ? मैं गेंडा बोल रहा हूँ, मैं किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ। चीता लिया है, आप गेंडे की बात कर रहे हैं। अरे भैया गेंडा गेंडा ही होगा ना, क्या बोलेंगे उसको, गधे थोड़े बोलेंगे। मैं किसी के नाम है उनका, किसका क्या नाम है, किसको बोल रहे हैं आप? हम गेंडे को बोल रहा हूँ, गेंडे को बोल रहे हैं, गधे को बोल रहा हूँ। आगे बोलिए। चलिए तो भारत जोड़ो यात्रा का जो है, आप भी बोल रहे हैं कांग्रेसी, अच्छा कांग्रेसी है इसलिए ये अंदर से निकल रहा है, या राहुल गांधी जी वाकई में ऐसा मेहनत कर रहे हैं और ऐसी यात्रा कर रहे हैं? तो वाकई में कांग्रेसी तो बात की बात है, हम राहुल गांधी जी से सबसे बड़ी बात है, कोई भी हो अगर हमको आप जो है बहुत पसंद करते हो, लेकिन आप नहीं करेंगे हमें पसंद। तो अगर आप मानो हमको पसंद करते हो, एक बात कर रहे हैं, आप हमें भाई भी बना सकती हैं, अगर आप मुझे पसंद करें कि भाई हमारा भाई है, और उस कंडीशन में आप पसंद करने का मतलब तो ये तो नहीं कि आप जो कुछ भी बोल दें, है ना। आपका क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, अभी आपने क्वेश्चन जो कहा था, आप बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए। हाँ कांग्रेसी, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेसी हम सबसे पहले यहाँ पर जो भी इंसान पैदा होता है ना, वो जन्म से कांग्रेसी होता है, जन्म से उसकी विचार जो है गंगा जमुना तहजीब की होती है, और जब जन्म से हम कांग्रेसी हैं, गंगा जमुना तहजीब है, प्यार मोहब्बत का देश का उसका संदेश हमारे माइंड में, हमारे दिलो दिमाग पे है, तो भाई हम अभी भी यहाँ कोई भी गलत करेगा तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो कांग्रेसी क्यों नहीं हो। गंगा जमुना तहजीब से मुझे याद आया कि अब तो रंगों की भी बात, राहुल जी से मैं इसलिए जुड़ा हूँ, और इसलिए मैं ही नहीं जुड़ रहा हूँ, आप जाके किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, आप जाके किसी गरीब बस्ती में चले जाओ, अमीरों के यहाँ चले जाओ, अडानी अंबानी दोस्त को छोड़ के आप चले जाओ, सब लोग कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा से देश में बदलाव की लहर आ गई है, लोग में मोहब्बत की और तहजीब की आ गई। आप ये बताओ कि अगर आपके घर में शांति नहीं होगा, आपके भाई बहन सब आपस में लड़ते रहेंगे, तो क्या आपके घर का विकास हो पाएगा? होगा नहीं। कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, देश बटे, आपके घर बटेगा, उसी तरह देश बटेगा, और जब बटेगा अशांति होगी तो विकास तो होगा नहीं, बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, तो फिर कैसे विकास होगा, कैसे इम्प्लॉयमेंट बनेगा, कैसे इंडस्ट्री बैठेगी? तो सेम इस कंडीशन में वो बिहार को लानी बड़ी जरूरी है, और राहुल गांधी जी उस बिहार को लाने के लिए वो निकल चले हैं, और मुझे लगता है कि वो फुलफिल हो गया, और आने वाला लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी, और फिर से इन नारंगियों को उठा उठा कर फेंका जाएगा। नारंगी आप बोल रहे हैं, और अभी लगातार जो है भगवा रंग का ही जो है इतना चल रहा है चर्चा कि दीपिका ने भगवा रंग की ड्रेस पहनकर जो है उसको अपमानित किया है। आज ये बताओ नारंगी हम किसी को बोल सकते हैं? नारंगी होता नहीं है देश में? नारंगी होता है कि नहीं? अब आप बात करती हैं कि मैं तहजीब से मुस्लिम हूँ, लेकिन जो है कल्चर यहाँ का जो तहजीब, हम हिंदुस्तानी सबसे पहले हैं। तो ये बताओ कि मुसलमान धर्म में अगर देखा जाए तो उसकी जो खाना जो होता है ना, जो खाते हैं, तो उसके घर में जर्दा बनता है, जर्दा पुलाव जो होता है जर्दा बनता है, नारंगी कलर का मीठा भी उसका जर्दा बनता है, पोशाक भी उसका जर्दा होता है, सब कुछ जर्दा होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब भी जो है केसरिया कलर पहना करते थे, जितने हमारे फ़कीर हैं वो भी हमारे केसरिया कलर पहना करते हैं। तो ये कहेंगे कि हमारा कलर, तो हम कहेंगे हमारा कलर है, बुद्ध कहेंगे कि हमारा कलर है, बाकी कहेंगे मेरा कलर है, ग्रीन का हम कहेंगे कि ये मुसलमान का कलर है। तो जितना ग्रीनरी सब्जी उब्जी आप खाना बंद कर दोगे, खाली नारंगी में केला खाते रहोगे, वही खाओगे, एक नारंगी खाओगे तो नहीं खाओगे ना। ये कलर किसी के बाप का नहीं है, ये सबका है। और जो बात करते हो शाहरुख खान की पठान की, देखो मैं कहना तो नहीं चाहिए, उसका एक गाना है पठान झूम झूम, पठान अपने वादा का बड़ी गाना भी, हाँ पठान अपने वादा का बड़ी पक्का होता, और हम जाति से पठान हैं, तो हम जो है ना जब चलते हैं तो झूम के चलते हैं, और किसी के साथ जब वादा निभाते हैं तो झूम के वादा निभाना जानते हैं, है ना। हर चीज़ में तहजीब भी
अच्छा से करते हैं, उसका इज्जत रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो पठान मूवी को ये क्या रोकेंगे? शाहरुख खान ने बोला और पठान मूवी से हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है कि देश की कल्चर से, देश की तहजीब से, देश की करैक्टर से आप खेलने की कोशिश कर रहे हो और भगवा में और ग्रीन कलर में इसे बांटने की कोशिश कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। भाई भाई भी तो कलर भगवा पहने हुए हैं, तो क्या इन्हें हम मना कर देंगे भगवा कलर मत पहनो? वो कोई भाई ग्रीन कलर पहना उसको मना कर दे मत पहनो हमारा है? अरे भाई कलर की क्या बात है भाई, ये देश हमारा गंगा जमुना तहजीब का, यहाँ कलर मिल के जो है एक आप सूरज का कलर आप देखते हो तो वो बनता है, तो ये रेनबो है, ये दुनिया, ये देश है, ये कल्चर रेनबो है, आप उसमें रहो, सबके साथ मिलकर रहो, खुशी के साथ रहो, खुशी बांटो, तो आप कभी उसमें बांटोगे कभी उसमें बांटोगे, देश को बांटोगे, तब इनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि बाबरी मस्जिद का इनका खेल था ख़त्म हो गया, ज्ञान बापी भैया कटकाए हैं, देश को बांटना चाहते हैं, अब ये मथुरा में जाना चाहते हैं, अब उससे पहले ये चाहते हैं कि 2023 का इलेक्शन है स्टेट का, उसके बाद 24 का, तो ये देख चुके हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि बाउंसर जो मारा जा चुका है ना, वो छक्का, वो कैच किसी से होने वाला नहीं है, तब ये सोच रहे हैं कि वो कैच को हम कैसे पकड़ें, उसको कैसे डाइवर्ट करें, तो वो डाइवर्ट इससे नहीं होने वाला, अब देश समझ चुका है, ये देश जो है ये देश बहादुरों का देश है, ये देश वीरों का देश है, ये देश लड़ना जानती है, ये देश चलना जानती है, और ये देश में नफरत ना हुआ ना कभी होगा, इसी का नाम है हिंदुस्तान। 25 तारीख को पठान आ रही है, देखने जाएंगे आप भाई? हाँ ऐसा पीछे से सर बोले, देखिए उनका अपना स्वभाव है, वो जाए या ना जाए उनका स्वभाव अपना है, मेरा स्वभाव अपना है, जिसको मन करेगा वो जाए नहीं जाए, हमें अगर अच्छा लगेगा, अगर हमें मूवी अच्छा लगेगा तो हम जरूर जाएंगे, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहेंगे कि पठान को आप जो है दीपिका वो कलर पहन ली तो आप उसको रोकोगे, तो आप कंगना रनौत पहनी तो उसे क्यों नहीं रोकोगे, आप जो है अक्षय कुमार का जो मूवी आई थी वो ऐसे ऐसे करके जो डांस कर, मनोज तिवारी ने खुद जो है ऐसा तिवारी का है उस पर क्यों नहीं रोकोगे, आप रवि किशन का है उस पर क्यों नहीं रोकोगे, और जितने भी चड्डीधारी हैं उनके चड्डियों में जाके देखोगे तो 99% का वो कच्चा उनका जो है वही होगा, तो आप बताओ कौन सा कलर भाई, कलर किसी का है क्या, जिसको देखना है देखे, रंगों की राजनीति हो रही है, कलर की राजनीति नहीं हो रही है, ये देश को बांटने और तोड़ने और फिर कपरस में इसमें बांटने की राजनीति हो रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ मोदी जी से, एक बात और बोलना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से और बाकी लीग से हट के, कि इस देश में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, यहाँ 25 करोड़ दलित रहते हैं और बाकी और भी रहते हैं, ब्राह्मण में भी मैक्सिमम ब्राह्मण जो यहाँ पे सेकुलर हैं, राजपूत यहाँ के मैक्सिमम राजपूत यहाँ के सेकुलर हैं और देश के साथ चलना चाहते हैं, इन सब को उठा के आप जो हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में उठा के इन्हें डंप कर दो और देश को चलाओ, है ना, अब चाइना का मुद्दा में आओ, अब चाइना में जो है इन्फेक्टेड हो चुका है, इतना कोरोना बढ़ चुका है, अब यहाँ पर भी बताया जा रहा प्रोटोकॉल जो है फॉलो किया जाए, आप ही बताओ कि आप कह रहे हो कि प्रोटोकॉल, आप जो पहले गांधी जी के पास एक लड़का एक माँ गई और जाके बोली कि गांधी जी हमारा लड़का जो है ना गुड़ खाना नहीं छोड़ रहा है, गांधी जी के पास एक दिन गए, दो दिन गए, तीन दिन गए, चार दिन गए, पाँच दिन गए, कुछ नहीं बोला, 15 दिन तक गए, 15वां दिन उन्होंने बोला, सुनो 15वां दिन उन्होंने बोला कि भैया गुड़ मत खाओ, तो उनसे पूछा गया क्यों खाओ ना खाओ, तो उन्होंने कहा कि गुड़ खाओगे तो ये बीमारी, इसलिए पहले उन्होंने उसे छोड़ दिया, है ना, उसे छोड़ा और छोड़ने के बाद से उन्होंने गुड़ खाना उसे मना किया। आप जो है खुद मास्क नहीं लगाओगे, 21 तारीख का प्रोग्राम हुआ उसमें मास्क नहीं लगाएं, आप राजस्थान में आप यात्रा कर रहे हो उसमें मास्क नहीं लगा रहे हो और आप कह रहे हो कि आप मास्क लगाओ, और पहले कोरोना नहीं आ रहा था जब आपके मेघालय में जाकर बड़े बड़े रैलियां कर रहे थे राजस्थान में, और अब आपको जो कोरोना आने लगा तो आपके डर सताने लगा है, है ना, कुछ फुफुंदे हैं उनको छोड़ के बाकी देश जो है कांग्रेस के साथ है, बाकी देश विकास के साथ है, बाकी देश एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के साथ है और अच्छी नीति और रणनीति के साथ है, और सरकार कांग्रेस की आएगी चाहे इसके लिए कोई कुछ भी करे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम औरंगजेब खान है। हाँ, तो अब ये देखिए आप तमाम जो एडवोकेट्स यहाँ पर थे पटियाला हाउस के, तो उनसे हमने बात की, औरंगजेब जी हैं तो उनसे हमने बात की कि किस तरीके से रंगों की राजनीति हो रही है, कि भाई रंग जो है हमारा देश जो है पूरे रंग बिरंगे गुलदस्ते से ही सजता है, पूरा हिंदुस्तान जो है पूरे रंगों से ही जो है एक हिंदुस्तान माना जाता है, लेकिन यहाँ रंगों की राजनीति हो रही है, अलग अलग उसे किया जा रहा है, हरे को अलग बताया जा रहा है, नारंगी को अलग बताया जा रहा है, लेकिन नारंगी तो हर कोई खाता भी है पहनता भी है, लेकिन अब जो बंटवारा कर दिया जा रहा है वो अलग बात है। तो ये तमाम बातें हमने रखी और भारत जोड़ो यात्रा पे हमने बात की कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चलती आ रही है, चाइना में कोरोना का डर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में भी बताया जा रहा है सबसे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा को ही रोकने का काम
करने की बात की गई है कि भाई उसको जो है रोकना पड़ेगा क्योंकि कोरोना जो है यहाँ पर आ चुका है। तो ये तमाम लोगों से हमने बात की, एडवोकेट्स थे, और आपकी क्या इस पे सोच है तो आप भी इस पर अपनी राय रख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, पटियाला हाउस।